बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम पिकर्स मेथड की वो वाली एग्जांपल करेंगे जो कि हमारे पास एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो हमारे पास है पिकर्स मेथड अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाई, जबकि हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 0.1 to 0.5, और हमारे पास वाई जो है वो इक्वल है 1 के, जबकि एक्स इक्वल होगा 0 के। मीन्स के हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है वो ये है, वाई ऑफ 0 इक्वल है 1 के। तो इसमें y प्राइम जो इक्वल है वो आपके पास है 1 + xy, डिफरेंशियल इक्वेशन करेक्ट टू 3 decimal places। हमने 3 decimal places तक इसके जो हैं आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है हमने वो नोट डाउन कर लिया और उसको dy/dx में लिख लिया। ठीक है, और फिर हमने अपनी इनिशियल कंडीशंस जो थी उनको मेंशन कर दिया। अब हम इसको dy/dx को हम f(x,y) भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमने पिकर्स मेथड का जनरलाइजेशन फॉर्मूलेशन जो थी वो लिखी, जो कि हमारे पास थी y m प्लस 1, हम काउंट डाउन कर सकते हैं, इक्वल है y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ x y m dx। ठीक है, ऐसे ही था। तो हमारे पास जो यहाँ पर अब हमने 1 निकालना, तो यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पर आपका वाई नॉट आ जाता है। ठीक है, तो वही हमने किया, एम जो था हमने उसको 0 पुट किया, तो यहाँ पर हमारे पास वाई 1 रह गया। इधर हमारे पास वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स, हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई नॉट dx। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो इक्वल है 1 + xy के, वाई नॉट है तो वो वाई नॉट हो जाएगा। अब वाई नॉट की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी, हमें गिवन था कि वाई नॉट जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 के, तो हमने वो पुट कर दिया, तो हमारे पास ये 1 + x रह गया, और वाई नॉट की जगह इधर भी हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये 1 रह गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करनी आसान थी तो हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, 1 + यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन में, और इसका हमारे पास आ जाएगा x² / 2। जब हमने इसकी लिमिट अप्लाई की तो x वाले जो थे वो हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे, जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म जो है ये बाकी रह जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, अब हम m = 1 पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर y² बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी y₁। अब y₁ की जो हमारी वैल्यू निकली है यहाँ पर 1 + x + x² / 2, इसको हम इसमें पुट डाउन कर देंगे। ठीक है, और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर जब आप इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाने के बाद 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, x² / 2, x² की x³/3, और x³/2 की आपके पास आएगी x⁴/4, और वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके पास y₂ की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ पर y₃ होगा तो यहाँ पर y₂ आ जाएगा। अब y₂ की जो वैल्यू है आपके पास, आपने ये वाली सारी टर्म जो है ये इसमें पुट डाउन कर देनी है तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करवानी है, पावर रूल अप्लाई करना है, तो आपके पास y₃ की ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी सेम उसी तरीके से हम करेंगे, y₃ इधर राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट आउट करके हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास y₄ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन सब में y₁, y₂, y₃, y₄ में पहले तो हमने क्या रखना है, 0.1। ठीक है, 0.1 रखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, हमारे पास जितने भी हमने पीछे फार्मूलाज निकाले हैं उन सबको हमने इकट्ठा किया, उन सब में हमने 0.1 पुट किया, और आपको पता है कि आपने पहले कैलकुलेटर को उसमें रेडिकल में चेंज कर लेना है और फिर आपने उसके जो है सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और उन्होंने हमें क्या कहा था सॉल्यूशन में कि हमारे पास 3 decimal places तक जो है आंसर वो करेक्ट होना चाहिए, तो 3 decimal places तक हमारे पास इनमें से हम देखें x = 0.1 के लिए हमारे पास y₁ की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 1.105। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इन सब में y₁, y₂, y₃, y₄ में 0.2 पुट करेंगे तो 3 decimal तक हमारे पास हम कहेंगे कि 0.2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1.223। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए राउंड ऑफ करेंगे तो 8 था, 8 को हम जो है इधर प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो 3 हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ वाला मेथड।
फिर हम करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0.3। इन सब में जब हम 0.3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर जो है 0.3 पे जो वैल्यू हमें गिवन होगी 3 डेसिमल प्लेसेस तक, वो आ जाएगी 355, ठीक है। और हमारे पास 0.4 के लिए हमारे पास आ जाएगी 1.505, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 0.5 के लिए आपके पास आ जाएगी 1.677, ठीक है। तो आपके पास ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप उनके आंसर जो हैं वो वन बाय वन पुट आउट कर देंगे, ठीक है। देखिए वैसे ही 1.677 यहाँ पर राउंड ऑफ किया तो आपके पास 677 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइलर्स मेथड। आइलर्स मेथड हमारे पास क्या होता है, वैसे ही जैसे हम पिछले मेथड्स को डिस्कस करते आए हैं। सबसे पहले हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वल कर देंगे अपने फंक्शन के, ठीक है। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो है वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। और फिर हम कहेंगे कि सपोज दैट कि हम जो है इसकी फाइंड आउट करेंगे सक्सेसिवली अप्रोक्सीमेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं वाई वन सो ऑन वाई एम तक, और वाई एम जो होगा हमारे पास वैल्यू होगी कोरस्पेंडिंग टू एक्स, और एक्स की वैल्यूज हमारे पास हैं एक्स एम तक, ठीक है। और एक्स एम हमारे पास इक्वल है एक्स नॉट प्लस एम एच के, और एच आपको पता है कि इंटरवल का साइज़ होता है, ठीक है। जो भी आपको इंटरवल गिवन होता है उसका आपका स्मॉल इंटरवल का साइज़ होता है। तो m जो है आपके पास 1, 2, 3 सो ऑन नंबर्स हैं, और h आपके पास स्मॉल इंटरवल है x0 टू x1 ऑफ x। हम अप्रोक्सीमेट करेंगे कि हमारे पास एक टेंजेंट कर्व जो है, हमने कर्व जो है वो टेंजेंट की x0 y0 के ऊपर है, ठीक है। तो हमारे पास उस टेंजेंट के ऊपर जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो आएगी y माइनस y0 इक्वल है dy बाय dx, और हमने ये जो है डेरिवेटिव x0 y0 के ऊपर करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास x माइनस x0 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास जो है ये हमने dy by dx को किसके इक्वल पुट किया था, f of xy के, तो हम वो लगा देंगे। और x y हम किसके ऊपर डेरिवेट करें, x नॉट y नॉट के ऊपर, तो वो हमारे पास x नॉट y नॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपके पास y नॉट को आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया तो वो इधर आके एडअप हो जाएगा। तो आपके पास ये जो है आपके पास ये एक किस्म के आपके पास आइट्रेशंस का जनरल फार्मूला आपके पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y1 यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा x1 माइनस x0, ठीक है, x इक्वल्स टू x1 हो जाएगा आपके पास। तो y1 आपके पास आ जाएगा y0 प्लस h इंटू f इंटू x0 y0, क्योंकि आपको पता है x1 माइनस x0 आपके पास h है, इसी तरीके से आपके पास x2 माइनस x1 आपके पास h है, ठीक है। तो सो ऑन इस तरीके से आपके पास एच एच ही आता जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एच यूज़ कर लेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट की टर्म पर। तो आपके पास वाई टू आपने फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पर वाई वन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जनरल इसको प्रोसीड करवाएं तो आपके पास यहाँ पर वाई एम प्लस वन इक्वल आ जाएगा वाई एम प्लस एच एफ इंटू एक्स एम वाई एम, ठीक है। यहाँ पर आपका m प्लस वन है तो यहाँ पर एक कम होगा उससे, तो यहाँ पर वाई एम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका इंटरवल साइज का जो इंटरवल साइज आएगा h, और यहाँ पर आपके पास एक्स एम और वाई एम, ये आपके पास इसकी फिगर है। यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक्स के जो पॉइंट्स हैं वो गिवन होंगे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एम तक। और ये आपके पास जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपको शो करवाएंगी वाई नॉट वाई वन और वाई टू को। और यहाँ पर जो हमारे पास कर्व ड्रा हो रही है ये हमारे पास है वाई एम, और ये जो आपके पास इसके ऊपर ये लाइन है ये आपके पास एरर्स की है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसका दरमियान में ये आपका डिस्टेंस है वो आपका क्या है, एरर्स है। और ये आपके पास इनके दरमियान जो फासला एक्स नॉट और एक्स वन के, ये आपके पास इंटरवल साइज होता है h, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका करेंगे इम्प्रूव आइलर्स मेथड। आइलर्स मेथड में क्या चीज़ इम्प्रूव की गई थी उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ हमने इम्प्रूव की है। तो सबसे पहले तो आपने कंसिडर कर लिया कि एक लाइन पास करी है आपकी a x नॉट, जिसकी स्लोप जो है वो आपकी एवरेज स्लोप है एट a x नॉट y नॉट और p x1 y1 ऑफ सच दैट। y1 आपको पता है कि आपके पास इक्वल है फर्स्ट आइट्रेशन y0 प्लस एच एफ इंटू x0 y0 के, और आपके पास ये पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं x0 टू x1, और x1 आपको पता है x0 प्लस h होता है। इसी तरीके से वर्टिकल लाइंस में आपको पता है a0 a1 और y1 की वैल्यूज़ आएंगे आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर a x0 y0 जो लाइन है ये हमारी क्या है, हमारी पास कर रही है एक लाइन इसमें से जिसकी स्लोप हमने जो है वो लिया इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए एल वन जो है वो आपकी क्या है, टेंजेंट है उस कर्व के ऊपर, ठीक है। इस कर्व के ऊपर, ठीक है, जो हमारी कर्व ड्रा हो रही थी उसके ऊपर हमने ये एक टेंजेंट जो है वो ड्रा कर दी।
अब हम कहेंगे कि हमारे पास पी एल टू जो है, एल टू हमने जो है वो टेंजेंट जो है वो लाइन जो है वो हमारी जा रही है पी एक्स वन वाई वन, जिसकी स्लोप आपके पास है एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ठीक है, वाई वन की फर्स्ट आइटरेशन है आपके पास, इसमें से हमारे पास जो होगी पी एम की जो हमारे पास होगी, ये एम आपका, ठीक है, पी एम की जो आपके पास स्लोप होगी वो आपके पास फिर बन जाएगी इन दोनों का सम, एवरेज होगी ना, तो एवरेज में आपके पास दो चीज़ों की सम अप होती है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टू पर। तो आपके पास एक्स नॉट वाई नॉट की थी और इधर आपके पास थी एक्स वन वाई वन की फर्स्ट आइटरेशन, इनको हमने एडअप कर दिया दोनों फंक्शन को और डिवाइड कर दिया टू पर, ये आपके पास एवरेज स्लोप आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास एवरेज स्लोप थी ये, तो आपके पास ए क्यू जो था वो आपका जा रहा था एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर और पैरेलल था वो पी एम के, तो इसलिए हम जो है उसकी अप्रोक्सीमेशन कर्व जो होगी वो आपकी पॉइंट बी से जो है वो वैल्यू अप करेगी, तो आपके पास ए बी क्यू की इक्वेशन जो है वो आपकी बन जाएगी वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, वाई नॉट को हम इधर से माइनस करवा देंगे तो इधर से एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए वन बी जो है वो आपके पास इक्वल है वन के वाई वन के, तो कोऑर्डिनेट अगर बी आपके पास एक्स वन वाई वन होगा तो उसका ए क्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा, इधर हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया ना, तो वाई की जगह पर हम लगाएंगे वाई वन माइनस वाई नॉट इक्वल है एक्स माइनस एक्स नॉट वन बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ठीक है, अब हमें पता है एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो हमारे पास जो है वो आपका इंटरवल चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम एच कह देंगे कि वाई वन, ये हमारे पास वाई नॉट जो है इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा और एक्स माइनस एक्स नॉट को हमने एच कह दिया। ठीक है, तो ये वाई नॉट प्लस एच बाई टू आपके पास बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे जो कि हमारे पास होती है वाई वन ऑफ वन की वैल्यू इक्वल होती है आपके पास वाई नॉट प्लस एच इन टू एफ एक्स नॉट y नॉट। ठीक है, और हमने x1 की वैल्यू पुट कर देनी, x1 की वैल्यू भी आपको पता है कि आपके पास होती है x नॉट प्लस h। ठीक है, इन दोनों की जब हम वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले से अपना जनरल फार्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हैं जो कि हमारे पास होगा y m प्लस वन इक्वल है वाई एम के प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम प्लस एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच वाई एम प्लस एच एफ इंटू एक्स एम वाई एम। ठीक है, और आप जब इसको मतलब कि इसके हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे एग्जांपल्स करेंगे तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं कि अब आपके पास यहाँ पर अगर वाई एम प्लस वन है तो यहाँ पर आपके पास वाई एम की पार वन है। ठीक है, मतलब कि उसकी फर्स्ट आइट्रेशन है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ आइलर्स फंक्शन और हम इनकी फिर एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।